टू डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड्स। पहले हम नंबर दो दो नंबर को इस तरह से लिखते हैं 38 and 12। उसके बाद हम 3 और 1 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 3 1 3। उसके बाद 3 2 और 1 8 को इस तरह से डायगोनल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 3 2 6, 8 1 8, 3 18 3 8 14। उसके बाद 4 यहाँ लिखते हैं 1 और 1 यहाँ। उसके बाद 8 2 16, 16 को हम 6 यहाँ लिखते हैं और 1 इधर। उसके बाद हम इन सबको ऐड कर देना है 6 4 + 1 5 3 + 1 4, आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से फिर से डायगोनल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। उसके बाद इस तरह से नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। नंबर लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं बड़े नंबर, फॉर एन एग्जांपल 5 7 और 6 4 को लेते हैं। इसे भी इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 5 6 30 30 यहाँ। उसके बाद 4 5 4 and 6 7 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 5 4 20 6 7 42, 2 6 2 यहाँ और 6 यहाँ। उसके बाद 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 7 28, 8 यहाँ और 2 यहाँ। उसके बाद ऐड कर देना है सभी नंबर को 8 4 and 36, ये हो गया आंसर। इसे भी यहाँ भी इस पॉलिसी इस मेथड का अप्लाई हुआ। इस तरीका अब हम 3 डिजिट नंबर को लेकर करते हैं 1 2 3 और 3 4 5। इस तरह से लिखना है। उसके बाद 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 1 3, उसके बाद 1 4 और 2 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 4 1 4 3 2 6, ये हो गया 0 1 और 1। उसके बाद 1 5 और 3 3 को मल्टीप्लाई करना है और 2 4 को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 1 5 1 5 5, 3 9 3 3 9, 2 4 8, 5 22, 2 यहाँ और 2 यहाँ। उसके बाद 2 5 को और 4 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 2 5 10, 4 3 12, 2 2 2 यहाँ और 2 यहाँ। उसके बाद 3 और 5 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है 3 5 15, 5 यहाँ और 1 यहाँ। उसके बाद हम इस लास्ट को हटाते हैं और नंबर को ऐड करते हैं 5 3 4 2 4, ये हो गया आंसर। यहाँ 3 डिजिट नंबर के लिए हम पहले इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, उसके बाद इस तरह से और इस तरह से, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। उसके बाद इस तरह से नंबर लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 and 9, 5 6 और 7। इसे भी इस तरह से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले जैसा 7 5 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है 7 5 35। उसके बाद 7 6 को और 5 8 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 7 6 42, 5 8 40, 2 8 82, 2 यहाँ और 8 यहाँ। उसके बाद 7 7 को 5 9 को और 8 6 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 7 7 49, 5 9 45, 8 6 48। उसके बाद ऐड करना है सबको, इससे हमें इस नंबर मिलेगा 2 यहाँ और 14 यहाँ। उसके बाद 7 8 को और 6 9 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है 7 8 56, 6 9 54, 0 11, 0 यहाँ और 11 यहाँ। उसके बाद 7 9 को मल्टीप्लाई करके ऐड
लिख देना है, 7 9 63 6 3 और 6 यहाँ, उसके बाद स्लैश उठाकर ऐड करना है, 3 6 11 11 to 13 3 यहाँ और 1 यहाँ लिखते हैं, 15 plus 2 17 7 यहाँ और 1 यहाँ, 1 8 9 30 plus 35 44, ये हो गया आंसर। बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा मल्टीप्लिकेशन 5 से 3 से 5 सेकंड में हो जाएगा और हमारा एग्जाम में टाइम भी बचेगा।